वेलकम टू स्टोनो डिक्टेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ट्यूटोरियल सीरीज 104 90 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। हमेशा यही होता है, किसी भी विवाद या तनाव पर कोई भी फैसला जब भी होता है तो वह कुछ को जीत का एहसास देता है और कुछ को हार की मायूसी। और फैसला जब देश की सबसे ऊंची अदालत में हो तो यह गिनने का कोई अर्थ नहीं कि इससे कितने खुश हैं और कितने मायूस। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अब तक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दिखी है वह हार जीत का गणित नहीं है, बल्कि सबसे अहम चीज वह संतोष है जो हारने वाले और जीतने वाले दोनों के चेहरों पर दिख रहा है। लेकिन इस भाव में हमारी सबसे बड़ी पूंजी हारने वाले का वह संतोष है जो यह कह रहा है कि अच्छा हुआ हम इस रोज रोज के पचड़े से बाहर आ गए। कुछ दूसरे उदाहरण देकर यह कहा जा सकता है कि संतोष का यह भाव कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन देश के सबसे विवादास्पद मामले में अंतिम फैसले के बाद हारने वाले में और उससे जुड़े समुदाय में फैसले से उपजी तमाम असहमतियों के बावजूद अगर संतोष का भाव दिख रहा है तो यह सचमुच अनूठा है। इसका जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि अभी कुछ ही समय पहले जब सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो कुछ असहमत लोग इसे स्वीकार करने को ही तैयार नहीं थे। यहाँ तक कहा गया कि अदालत को धर्म के मामले में फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ तो इसे एक बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि भी माना जाना चाहिए। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक न्यायिक निर्णय के अलावा भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक विवाद के रूप में यह मामला डेढ़ सदी से भी ज़्यादा पुराना है। राजनीतिक और सांप्रदायिक कारणों से यह मसला न जाने कितनी बार सड़कों पर उतारा गया है। इसे लेकर आंदोलन भी हुए हैं और यात्राएं भी निकली हैं, इसके लिए विध्वंस भी हुए हैं और देश के कई हिस्सों को दंगों से भी गुजरना पड़ा है। अब फैसले के बाद हर तरफ दिख रही राहत यही बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मसले को ही खत्म नहीं किया बल्कि इस धारणा को भी स्थापित कर दिया कि विवादित और कटु मसलों का समाधान सड़कों पर या राजनीतिक बल से नहीं बल्कि अदालत में ही सही ढंग से हो सकता है। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो सक्रियता दिखाई वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह भी उस समय
जब एक धारणा यह थी कि यह मसला दशकों तक अदालतों के चक्कर ही काटता रहेगा। देश में बहुत सारे मसले हैं जिनके साथ यही हो रहा है। अदालत ने न सिर्फ हर रोज सुनवाई का फैसला किया बल्कि मामले की नज़ाकत को देखते हुए यह कोशिश भी की कि मसला सभी पक्षों की आपसी सहमति से सुलझ जाए और अदालती जिरह की नौबत ही न आए। सहमति नहीं बनी तो फिर जो हुआ वह भारतीय न्यायपालिका में शायद ही कभी दिखाई दिया। कुछ ही सप्ताह में न सिर्फ सुनवाई पूरी हुई बल्कि अंतिम फैसला भी आ गया। यह दिखाता है कि अगर अदालत चाहे तो न्यायपालिका को तारीख दर तारीख वाले लांछन से मुक्ति भी दिलाई जा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि यही तेजी ज़्यादातर मामलों में दिखे और अदालत ही सहमति से समाधान की पहल भी करे? काश ऐसा हो। स्टॉप। डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस मैटर को टाइप करिए और मिलाइए, देखिए कितनी मिस्टेक्स है और हमें कमेंट में बताइए।